नमस्कार किसान भाइयों, आपका ई फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करने वाले सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टर ऑप्टिक के बारे में। एमिस्टर ऑप्टिक जो फंगिसाइड है, उसमें कंटेंट क्या रहता है, कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारे में अच्छा काम कर सकते हैं, स्प्रे करने के बाद कौन कौन सा बीमारियों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा से तीसरा स्प्रे कब करना है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किसान भाइयों, सिंजेंटा कंपनी का जो एमिस्टर ऑप्टिक जो एक लेटेस्ट वर्सन सिंजेंटा का फंगिसाइड है, जो बेहतरीन काम करते खेतों में स्प्रे करने के बाद, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसका कंटेंट के बारे में, इसमें क्या कंटेंट रहता है एमिस्टर ऑप्टिक में, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन 4.8% प्लस रहते हैं, क्लोरिथ्रानोलिन 40.4%, जो बेहतरीन काम करता है सब्जियों का बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। जो SC फॉर्म में सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जो गाढ़ी कलर का होता है, जो बेहतरीन काम करता है बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फोलियर फंगिसाइड है जो एमिस्टर ऑप्टिक होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फोलियर फंगिसाइड क्या होता है, जैसे बहुपयोगी फंगिसाइड होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जैसे आपका सब्जियों का खेती बारे में एक साथ बीमारी ज़्यादातर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, लीव स्पॉट का बीमारी एक साथ दिखाई देता है। इसलिए क्या करना, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड स्प्रे करने बेहतरीन काम करता है बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। किसान भाइयों, आई बात करेंगे सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टर ऑप्टिक जो फंगिसाइड है, सब्जियों का कौन कौन सा खेती बारे में आप उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आलू का खेती बारे में, खीरा का खेती बारे में, तरबूज का खेती बारे में, पत्ता गोभी का खेती बारे में, फूल गोभी का खेती बारे में, बीन का खेती बारे में, लौकी कद्दू का खेती बारे में, टमाटर का खेती बारे में, बैगन का खेती बारे में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फलों में भी उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, बेहतरीन काम करते हैं जैसे आपको कोई भी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। जैसे आपका कोई भी बीमारी का मतलब होता है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, लेट ब्लाइट, जो बीमारी दिखाई देता है आपको सब्जियों का खेती बारे में, आसानी से आप नियंत्रित कर सकते हैं एमिस्टर ऑप्टिक फंगिसाइड उपयोग करने के बाद। एमिस्टर ऑप्टिक जो होता है क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड, इसलिए आप एक साथ बीमारी को दिखाई देने के बाद भी उपयोग कर सकते हैं। पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, जैसे टमाटर का खेती बारी में, कीड़ा का खेती बारी में, तरमुज का खेती बारी में, आलू का खेती बारी में दिखाई देते, इसलिए क्या करना एक साथ जो बीमारी दिखाई देते, इसलिए भी आप एमिस्टर ऑप्टिक जो फंगिसाइड है उपयोग कर सकते, कोई भी समस्या नहीं होगा। किसान भाइयों, आई बात करेंगे एमिस्टर ऑप्टिक जो फंगिसाइड है डोसेज कितना फसलों में छिड़काव करना, इसके बारे में आई बात करेंगे। जैसे किसान भाई, उसका डोसेज लगभग पर लीटर पानियों में 2 से 3 ml तक पर लीटर पानियों में आप उपयोग कर सकते, कोई भी समस्या नहीं होगा। जैसे आप पर हेक्टर के लिए लगभग 500 लीटर पानियों में आप उपयोग कर सकते हैं। 500 लीटर पानियों में आप एमिस्टर ऑप्टिक जो 250 ml 500 लीटर पानियों में उपयोग कर सकते हैं पर हेक्टर में। और आप इस पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, आपका सब्जियों का खेती बारी में कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन तीसरे स्प्रे से ज़्यादा नहीं करने, इसका क्या होगा, नुकसान हो सकता है। इसलिए क्या करना, लगभग आप तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं एमिस्टर ऑप्टिक का जो फंगिसाइड होता है, और इसको ज़्यादा नहीं करना। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग आप क्या कर सकते हैं, 10 days के बाद आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। इसका स्प्रे करने के बाद सब्जियों का खेती बारी में लगभग 3 से 5 दिन के बाद क्या फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले फसल हार्वेस्ट नहीं करने, फसल में जो हेल्थी होता है, हेल्थी का आपका कोई भी समस्या हो सकती है। इसलिए क्या करना, स्प्रे करने के बाद लगभग 3 से 5 दिन के बाद आप फसल हार्वेस्ट कर सकते। एमिस्टर ऑप्टिक जो सिंजेंटा कंपनी का फंगिसाइड है, उसके साथ दूसरा कोई भी फंगिसाइड कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डबल टोनिक दवाई है। इसलिए क्या करना, सिंगल स्प्रे सब्जियों का खेती बारी में स्प्रे करना है एमिस्टर ऑप्टिक। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कोई भी दवाई होता है, जैसे आपका जैसे कोई भी दवाई के लिए, जैसे डिजीज को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त करता है, तो क्या करना है, इसको सिंगल स्प्रे करना है। डबल टोनिक वाली दवाई ऐसी पावरफुल रहती है, इसलिए क्या करना है, सिंगल स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात किया था एमिस्टर ऑप्टिक फंगिसाइड के बारे में, उसका डोसेज कितना छिड़काव करना है, कौन कौन सा बीमारी को आप नियंत्रित कर सकते हैं, इसमें कंटेंट क्या रहता है, इसके अलावा कितना डोसेज आप स्प्रे कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया था। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एमिस्टर ऑप्टिक के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए।